हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स पर यानी कि मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर को लेकर जो टेस्ट सीरीज चल रही थी अपनी, तो आपको पता ही होगा कि अब आपके पास में 35 दिन शेष रहे हैं। तो अपन डेली के डेली एक टेस्ट सीरीज़ अपन डालते रहेंगे। तो आज का पेपर सॉल्व करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। इसके अंतर्गत आपको वही 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें 15 हिंदी के होंगे, 25 जीके के होंगे और 60 एग्रीकल्चर के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किस क्रम में यण संधि नहीं है? तो आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से बताना है कि आपको यण संधि कौन से में नहीं है। स्वागत में नहीं है, मात्रानंद में नहीं है, यद्यपि में नहीं है या महर्षि में नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें कि जिसमें यण संधि नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ और आपको पता होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा, ये वाला अभी प्लस एक होगा, ये वाला अभी प्लस एक होगा, ये वाला अभी प्लस एक होगा या अभय प्लस एक होगा। तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययीभाव भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो अव्ययीभाव भाव समास का उदाहरण नहीं है उसको बताना है आपको। तो दिनों दिन में नहीं है, मनमान में नहीं है, हर रोज़ में नहीं है, यथाक्रम में नहीं है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें जो हर रोज़ होता है उसके अंतर्गत आपका अव्ययीभाव भाव समास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में 57 में कौन सा समास है? 57 में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है? तो 57 में कौन सा होगा आपका? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सा आ जाता है आपका, 59 प्लस औनत हो जाएगा, तो ये कौन सा आ जाता है आपका, द्वंद्व समास आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि 49 में कौन सा उत्सर्ग लगा हुआ है? तो उ लगा हुआ है, उन है, उत है या उद है? तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपने आंसर भी राइट करते रहे, कमेंट बॉक्स में बताते रहे कि आप कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो बात करें कि 49 के अंतर्गत जो आपका उपसर्ग होगा वो उन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो चालक में नहीं है, पालक में नहीं है, कारक में नहीं है, बालक में नहीं है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, पालक के अंतर्गत आपका अक प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? तो चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, शशि है, इंदु है, विदु है, निशाकर है, शशांक है, भुवन है या अपाकर है या मलयवरी है या आफताब है, राकेश है या चंद्रहास है? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो क्या होता है कि आपका चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, शशि भी होता है, इंदु भी होता है और विदु भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस यानी कि रस से रहित, जो नीरस होता है तो उसका विलोम क्या होगा, सर रसीला होगा, सरस होगा, वीरस होगा या अनारस अरान होगा? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, नीरस का हो जाएगा, सरस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंश और अंश शब्द युग में अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अंश और अंश होता है उसके अंतर्गत अर्थ भेद का यूज करना है, तो कंधा हिस्सा होता है, भाग और संपत्ति होता है, भाजक अंक होता है, कष्ट होता है या फिर हिंसा या कंधा होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करूँ कि इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हो, इसका भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। बात करें कि जैसे कि अंश लिखते हैं अपन, तो अंश के अंदर स के अंदर जुड़ा हुआ रहता है ना, स ऐसे जुड़ा हुआ आता है और दूसरा अंश आता है उसके अंतर्गत ये वाला संकर वाला श आता है। तो आपको जो जुड़ा हुआ ये दिखे स, तो उसका मतलब समझना कि कंधे से हाथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है, तो कंधे में हाथ जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जुड़ा हुआ ऐसा आएगा, उसका मतलब होता है कंधा, कंधा होता है ना, कंधे से हाथ जुड़ा हुआ रहता है ना, तो ऐसे ही शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे ही ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसको याद रख करके आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अंश में ये जुड़ा होता है तो कंधे में भी जुड़ा होता है, तो एक का मतलब कंधा हो जाता है और अंश का मतलब वही होता है हिस्सा, की कोई चीज़ का अंश बच जाता है या फिर थोड़ा सा हिस्सा रहता है उसे अंश मात्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस क्रमांक का शुद्ध
शब्द है, तो आपको शुद्ध शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो बात करें कि आपके सामने शब्द है, तो ए वाला सही है, बी वाला सही है, या सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को विशेष रूप से देखना कि शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध कौन सा है, मेरी कुछ समझ में ना आया, बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो, या आप हम पर कृपा करें, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो आपको गलत है वो, यानी कि जो अशुद्ध है उसको पहचानना है आपको। तो इसको बात करेंगे कि मेरी कुछ समझ में ना आया, मेरे को समझ में नहीं आया, ना आया नहीं होता, नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रागैतिहासिक, ये पहले भी आ चुके हैं, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रागैतिहासिक शब्द किसके लिए होता है, जिस इतिहास से प्रमाण हो, अति प्राचीन इतिहास से संबंधित हो, या लिपिबद्ध इतिहास हो, या ज्ञान इतिहास से पूर्व समय का हो। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा कि जो ज्ञान या ज्ञात इतिहास होता है उससे पूर्व का समय का बात की जाती है, तो उसे प्रागैतिहासिक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द होगा, तो वैकेंसी का अपन क्या बोलते हैं, तो खाली जगह बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं, नियुक्ति बोलते हैं, या स्वीकृति बोलते हैं। तो इसकी बात करें राइट आंसर की, तो वैकेंसी मतलब रिक्ति होती है, कि आपको पता ही है कि वैकेंसी है, मतलब कि रिक्त पदों के ऊपर आती है, तो रिक्ति होती हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारी मुसीबत में कुछ अनिष्ट ना हो, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, कि आपके पास में भारी मुसीबत हो और उसमें भी अनिष्ट ना हो, तो उसके लिए क्या मुहावरा यूज़ करोगे। तीन तेरे होना, बाल बांका न होना, खट्टे दांत करना, आसान आसन डोलना। तो आपको पता ही होगा कि अगर भारी मुसीबत भी आ जाती है फिर भी कुछ नहीं होता, तो अपन क्या बोलते हैं, इसका तो बाल ही बांका नहीं हुआ। तो वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर की, बाल बांका न होना, इसका मतलब कि भारी मुसीबत के टाइम पे भी अनिष्ट नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बड़ों के साथ छोटों का भी निभ जाती है, इस अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो अगर बड़ों के साथ में छोटे की भी निभ जाती है, तो उस लोकोक्ति को अपन क्या कहेंगे, यथा राजा तथा प्रजा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, या बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, या हाथी के पाँव में सबके पाँव समाए। तो आपको पता ही होगा कि हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बड़ों के साथ छोटों का भी निभ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाल वुड फॉसिलिंग फॉसिल पार्क किस भूप्रदेश में स्थित है। तो अकाल वुड फॉसिलिंग पार्क है वो आपको पता ही होगा कि जो आपका पश्चिमी क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत रहता है। तो अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे इसके, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भाग, यानी कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भाग के अंतर्गत जो आपका अकाल फॉसिलिंग वाला था वो रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में फैले थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग है। तो बात करिए उसका आता है कि आपका, यानी कि 2,09,100, यानी कि 9,100, यानी कि 209 और 100, ये वर्ग किलोमीटर आपका क्या होता है कि थार में फैले हुए मरुस्थल का क्षेत्रफल आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीकर जिले की सीमा निम्न में से किससे नहीं छूती। तो जो सीकर जिले की सीमा है वो किसको नहीं छूती, आपके जयपुर को नहीं छूती, हरियाणा को नहीं छूती, अलवर को नहीं छूती, या फिर नागौर को नहीं छूती। तो आपको पता होगा कि जो सीकर है, सीकर के साइड में हरियाणा भी है, इधर हरियाणा है, नागौर भी है, और जयपुर को तो सीकर छूता ही है, तो अलवर को नहीं छूता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेसवा या वितरक एक हतमती नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपके पास में तीन नदियां दी गई है, ये किसकी सहायक नदी है, पश्चिम बनास की है, साबरमती की है, माही की है, या बनास की, या मानसी की है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपकी साबरमती की ये सहायक नदियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। तो बी के थापर और जॉन मार्शल ने किया था, बी बी लाल और एच डी सांगलिया ने किया था, बी के थापर और बी बी लाल ने किया था, दया सायनी और बी के थापर ने किया था। तो कालीबंगा की जब बात आती है तो आपको पता ही होगा कि बी के थापर और बी बी लाल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें वो आता है कि राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हटाकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। तो कौन से नरेश को हराकर या फिर उसको हटाकर अपना अधिकार कर लिया था। तो वो राव लूणकरण था, राव जैसल जी था, या राव कल्याणमल था, या राव राय सिंह था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन था आपका, राव जैसल था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आमेर के अंतर्गत महलों का निर्माण आपके राजा भारमल के द्वारा, राजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा, या सवाई जयसिंह के द्वारा, या सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसके द्वारा, आपके मानसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चंपानेर की संधि कब की गई थी, तो 1454 में, 1456 में, 1457 में, 1458 में। तो जब राइट आंसर की इसकी बात आती है तो 1456 के अंतर्गत चंपानेर की संधि की गई थी, और ये किस किसके बीच हुई थी, मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि अलवर की मुसीमा रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। विनय सिंह ने करवाया था, जय सिंह ने, बख्तावर सिंह ने, मान सिंह ने। तो आपको पता होगा कि जो मुसीमा रानी की छतरी है तो ये कहाँ पर है, अलवर के अंतर्गत है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले तो छतरी कहाँ है, ये अलवर में है, और इसका निर्माण करवाया था आपके विनय सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा में किस नदी के तट पर स्थित है। तो खारी पे है, कोठारी पे है, बनास पे है, या बेड़च पे है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किस पे है, खारी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहाँ पर स्थित है। तो जो आदिवासियों का मुक्ति धाम है वो कहाँ पर है, ऋषभ देव उदयपुर में है, गेव सागर डूंगरपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, या बेणेश्वर डूंगरपुर में है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा होता है आपका, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंतर्गत होता है, जहाँ पर आदिवासियों का मुक्ति स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि उंडू कामेश्वर गांव जहाँ लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जैसलमेर में, नागौर में, सॉरी जैसलमेर में है, बीकानेर में है, नागौर में है, या बाड़मेर में है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात की जाए तो वो कहाँ पर आपका, बाड़मेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र में, बैसाख में, श्रावण में, या भादव में। और आपको पता होगा कि गणगौर है इस टाइम पे अपने त्यौहारों का समापन माना जाता है, तीज से स्टार्टिंग मानी जाती है और गणगौर पे अपना समापन होता है। इसीलिए एक कहावत भी है कि तीज तिवर्रा बावड़िया लेडू भी गणगौर। तो अपन को बताना है कि गणगौर है वो किस माह के अंतर्गत आती है। तो चैत्र में आती है, बैसाख में आती है, श्रावण में आती है, या भादव के अंतर्गत आती है। इसके राइट आंसर की बात करें तो चैत्र माह के अंतर्गत आपकी गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया समुदाय का है। तो ग्रासिया जनजाति का जो मेला है वो कौन सा है, निमजा मेला है, बेणेश्वर धाम मेला है, या मंडकेश्वर मेला है, या चननी चेरी मेला है। तो राइट आंसर की अपन बात करें इसकी तो वो कौन सा होता है, मार्कंडेश्वर मेला क्या होता है आपका, ग्रासिया समुदाय से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो बूंदी में, जयपुर में, जोधपुर में, या कोटा में। तो राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको, तो वो कहाँ पे किया गया था, बूंदी के अंतर्गत किया गया था, फिर इसके बाद के अंदर आपके जयपुर में किया गया था। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, सबसे पहले आपके बूंदी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ कि आभूषण से पूछा गया क्वेश्चन है कि मेहमद का आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो नाक में, कान में, गले में, या सिर में। तो आपको पता ही होगा कि जो मेहमद होती है वो माथे के ऊपर पहनी जाती है, तो सिर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अपन राज्य की किस जनजाति को आदिमकद जनजाति समूह है ना की सूची में रखा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्रासिया को, सहरिया को, कंजर को, या सासी को। तो राइट आंसर की बात करेंगे वो कौन सी होती है आपकी, सहरिया जनजाति होती है, जिसे आदिमकद जनजाति समूह के अंतर्गत आपका रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, सारंगी, मंजीरा, रवणता, एक तारा। तो आपको पता होगा कि जोगियों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो सारंगी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि रायण नृत्य किस जनजाति का है। तो सहरिया का है, ग्रासिया का है, भील का है, या मीणाओं का है। तो अगर रायण नृत्य की जब बात की जाती है तो वो आपका ग्रासिया जनजाति का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से
कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? बीकानेरी नहीं है, नागरचोर नहीं है, जोधपुरी नहीं है या थली नहीं है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, नागरचोल मारवाड़ी की उपबोली नहीं होती है, आपकी ढूंढाड़ी की होती है ना। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस चित्र शैली में पीला रंग की प्रधानता रहती है? तो पीला रंग किसकी में प्रधानता रहती है? तो नागौर शैली में रहती है, कोटा शैली में, आमेर शैली में या बीकानेर शैली में? तो जब भी पीला रंग की प्रधानता की बात की जाती है तो आपको पता होगा कि जो आपका बीकानेर होता है ना, बीकानेर शैली होती है, उसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रधानता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिंक मेटल की वस्तुओं के निर्माण हेतु राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नागौर है, जयपुर है, जोधपुर है या फिर उदयपुर है? तो जिंक मेटल की वस्तु निर्माण के लिए कौन सा है आपका, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो आपका जयपुर हो जाएगा। लेकिन जिंक का जो पात्र बनाया जाता है बादला है ना, वो आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है, वो भी विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी? तो जो आपके 1857 की क्रांति नीमच के अंतर्गत हुई थी, उसके अंतर्गत जो वफादार रहने के लिए शपथ दिलाई जा रही थी, तो उसकी बगावत किसने की थी? तो मेहराब खान ने की थी, लाला जयदयाल ने की थी, मोहम्मद अली बेग ने की थी या रहमत अली ने की थी? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाता है आपका, जो आप मोहम्मद अली बेग थे, इन्होंने ये शपथ लेने से मना कर दिया था और वहाँ से बगावत उन्होंने कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, संतसभा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद ने की, मोतीलाल अली बेग ने की या भोगीलाल पांडे ने की या विजय सिंह पथिक ने की? तो संतसभा की बात की जाती है तो आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी, या सॉरी गुरु गोविंद गिरी ने की थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो जो वनवासी सेवा संघ थी उसकी स्थापना डूंगरपुर में किसने की? गुरु गोविंद गिरी ने की, भोगीलाल पांडे ने की, माणिकल लाल वर्मा ने या मोतीलाल तेजावत ने की? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसने की थी, भोगीलाल पांडे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेग्यूम शब्द किस भाषा से लिया गया है या उद्भव हुआ है? तो लैटिन से हुआ है, ग्रीक से हुआ है, रोमन से हुआ है या फ्रेंच से हुआ है? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका दलहनी होता है, तो लेग्यूम नाम से पता चल जाएगा लेग्यूम है, तो एल आर ए से लैटिन याद रखना ना, तो ये लैटिन भाषा का होता है। अगर बात करें अपन, जो मौसम होता है वो कौन सा होता है आपका, अरबी भाषा का होता है। मौसम अरबी भाषा का होता है, उसके साथ ही जो आपके खरीफ, रवि और जायद, ये तीनों शब्द भी कौन से के होते हैं, आपके अरबी के होते हैं। बाकी जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ होता है वो सब कौन से होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं, चाहे एंटोमोलॉजी होगी, पैथोलॉजी हो गई, पोमोलॉजी एकमात्र क्या है आपका, अपवाद है। इसके अंदर लैटिन प्लस ग्रीक दोनों आते हैं। इसके अलावा जितनी भी आती है लॉजी वाली वो ग्रीक हो जाती है, और जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ होता है वो सब लैटिन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको मुख्य गैस को बात करें तो कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। निम्न में से बात करेंगे, निम्न में से अखाद्य खली कि जो पशु खाना पसंद नहीं करते, तो वह अखाद्य खली कौन सी है, महुआ की, अरंडी की, या नीम की है, या उपरोक्त सभी? तो ये सभी की सभी कौन सी होती है आपकी, अखाद्य खली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भारत में लगभग कितने क्षेत्रफल अम्लीय भूमियों के अंतर्गत आता है? तो अम्लीय भूमि के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, तो 49 मिलियन हेक्टेयर आता है, 39 मिलियन हेक्टेयर आता है, या 10.8 मिलियन हेक्टेयर आता है, या 108 मिलियन हेक्टेयर आता है? तो अपन अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो कौन सा हो जाता है आपके, 49 यानी कि 49 मिलियन हेक्टेयर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में कि निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा क्षरण सबसे अधिक होता है? तो वायु द्वारा क्षरण सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, पंजाब में होता है, गुजरात में होता है या हरियाणा के अंतर्गत होता है? तो आपको पता ही होगा कि वायु के द्वारा जो सर्वाधिक क्षरण होता है वो आपके राजस्थान में ही होता है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत ही आपका जो थार का मरुस्थल है वो सर्वाधिक राजस्थान के अंतर्गत ही पाया जाता है, तो वहीं पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से
कौन सा एक मृदा सुधारक है? तो मृदा को सुधारने वाला कौन सा, SSP है, DAP है, यूरिया है या जिप्सम है? तो आपको पता ही होगा कि जिप्सम क्या करता है, मृदा सुधारक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस तत्व में अधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो कैल्शियम SSP में, जिप्सम में, हड्डी के चूरे में, कैल्शियम नाइट्रेट में। तो आपको पता होगा जिप्सम में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जड़ों व ग्रंथियों के विकास के कारण किस पोषक तत्व को पौधे के जीवन की चाबी या की ऑफ लाइफ कहते हैं? तो नत्रजन को कहते हैं, मैग्नीशियम को, फॉस्फोरस को या पोटेशियम को कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, आपका जो फॉस्फोरस होता है वो की ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अग्रिम कलिकाएं सूखना एवं नई पत्तियों के किनारे हुक की तरह सिकुड़ना किस पोषक तत्व की कमी बताते हैं? तो आपको पहले चीज़ तो दिमाग में आनी चाहिए कि अगर आपके पास प्लांट है तो ऊपर की जो कलिकाएं होती है उसके अंतर्गत कैल्शियम और बोरोन की कमी पाई जाती है। अब ये पता चल गया कि कैल्शियम और बोरोन तो आपके पास में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करें कि इसके सिकुड़ने और हुक के नुमा अगर उसकी संरचना हो रही है तो उसके अंतर्गत कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा फार्म यंत्र जिससे कि प्रारंभिक व द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा है जो प्राइमरी टिलेज भी करेगा और सेकेंडरी टिलेज भी करेगा? तो चीजल हल है, फर्टिकम सीड ड्रिल है, रोटोवेटर है या डिस्क हैरो है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें वो कौन सा होता है, आपका रोटोवेटर होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के अंतर्गत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, आलू की सुसूप अवस्था तोड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं, थायो यूरिया, H2SO4 यूरिया या फिर एंगलाल? तो आपको पता ही होगा कि जो आलू की सुसूप अवस्था तोड़ने के लिए क्या काम लिया जाता है वो थायो यूरिया। ये 2018 के अंतर्गत भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये तो आई होप आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गेहूँ के खेत में फिलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी यूज़ करते हैं? तो ब्यूटाक्लोर करते हैं, आइसोप्रोटोटोन करते हैं, पेंडामेथिलीन करते हैं या उपरोक्त सभी? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो गेहूं के अंतर्गत जो फेलेरिस माइनर होता है उसके रोकथाम के लिए अपन आइसोप्रोटोटोन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं, खेती कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, मछली पालन कहते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, काफ़ी आसान चीज़ है कि इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। इसके अंतर्गत अपन खेती भी करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं और फसल को भी उगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में रबी मक्का फसल किस क्षेत्र में बहुत उगाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में जो रबी का मक्का होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपको पता होगा वो डूंगरपुर के अंतर्गत होता है। तो डूंगरपुर में होता है, तो आपका डूंगरपुर कौन से जोन के अंतर्गत आता है तो ये पता होना चाहिए। तो डूंगरपुर आपका आता है कि 4th B के अंतर्गत आता है। तो अब आपको बताना है कि 4th B का नाम क्या है? तो आपको बात करें कि 4th आता है कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। जो आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र होता है वो आपका 4th B का नाम होता है, और 4th B सबसे छोटा एग्रोक्लाइमेटिक जोन में से माना जाता है, और सबसे बड़ा जोन होता है वो 1st C होता है। तो 4th B का नाम क्या होगा आपका, जो आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो स्पाई कहलाता है, रेशम कहलाता है, बेल कहलाता है, पेनिकल कहलाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर बात करें कि आपके इसके राइट आंसर की तो वो कौन सा हो जाता है, पेनिकल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरे चारे हैं तो ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म कौन सी है? तो पूसा चरी 2 है, राजस्थानी चरी 2 है, SSG 593 है या SC 308 है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सा होता है, SSG 59 और 3 क्या होती है, आपकी बहु कटाई वाली किस्म होती है, किसकी, ज्वार की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाती है वो कितनी होती है आपके, 5 से 6 kg हेक्टेयर यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में बात करें कि गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो आपकी गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है वो 100 से 125 kg होती है, 125 से 130 kg होती है, 200 से 225 या 300 से 320 kg होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता ही होगा कि सामान्यतः इसके अंतर्गत यूज़ की जाती है वो 125 से 130 kg नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होती है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो सैंडी है, सैंडी लोम है, क्ले है या बलुई चिकनी मृदा है?
तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी होती है, सैंडी लोम होती है। अगर इसके अंदर सैंडी लोम नहीं आता है तो सैंडी सॉइल भी आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर को आपको कौन सा देना है, सैंडी सैंडी लोम देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सिंचित क्षेत्र के लिए धनिया की प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में ली जाती है। तो सिंचित क्षेत्र के लिए जो धनिया की सीड रेट यूज़ की जाती है तो वो कितनी यूज़ की जाती है, तो वो आपकी की जाती है 9 से 10 किलो, 12 से 15 किलो, 15 से 20 किलो या 25 से 30 किलो। तो राइट आंसर की बात करें जो 15 से 20 किलो है वो सिंचित क्षेत्रों के लिए धनिया की प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, आम के खाने योग्य भाग को कहते हैं। तो आम का खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, थैलेमस होता है या प्लेसेंटा होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करी जाए तो वो कौन सा होती है आपका, मेसोकार्प। जो एडिबल पार्ट होता है मैंगो का वो कौन सा होता है आपका, मेसोकार्प, मेसोकार्प होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आता है निम्न में से ज़्यादा लवण सहनशील सब्जी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा लवण सहनशील कौन सी है, मटर की है, आलू की है, पत्ता गोभी है या पालक की है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाती है वो कौन सी होती है आपकी, पालक की होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में कि टमाटर के पुष्प क्रम या फ्लावर क्लस्टर को क्या कहते हैं, अम्बेल कहते हैं, हिप्स कहते हैं या स्पेडिक्स कहते हैं या ट्रस कहते हैं। तो अगर टमाटर के पुष्प गुच्छे को अगर जब बात की जाती है तो वो क्या होती है आपके, ट्रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है। तो जिब्रेलिन का प्रीकर्सर या बात की जाती है तो वो कौन सा होता है, इथाइलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है या फैक्लाब्यूटराजोल होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा होता है आपका, साइटोकाइनिन को क्या माना जाता है कि जिब्रेलिन का प्रतिकूल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें वो आती है बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है। तो बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी होती है, लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, जीवा ग्राफ्टिंग होती है या वल्या या टिकलिकाइन होती है। तो आपको पता है वो बेर के अंतर्गत मुख्यतः रिंग बडिंग करते हैं ना, और इनको क्या कहते हैं, वल्या कहते हैं। तो ये टिकलिकाइन भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें ये कहावत किसके लिए है कि सिर पर आग और पाँव में पानी, ये किस फल के लिए कहा जाता है या किस क्रॉप के लिए कहा जाता है। तो आम के लिए कहा जाता है, आंवले के लिए, खजूर के लिए, सभी के लिए। तो आपको पता होगा कि खजूर का पौधा होता है वो लंबा होता है और ऊपर फल लगते हैं। तो इसका सिर तो क्या होता है, आग में होता है और पाँव यानी कि नीचे पानी के अंदर। तो ऐसे क्या होता है खजूर के लिए कहा जाता है, किसी सिर पर आग पाँव में पानी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें अनार के फलों में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फट जाते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीपीजी में पूछा गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है और टेक्निकल असिस्टेंट में भी पूछा गया है। बात करें कि अनार के अंदर का जो मुख्यतः फल फटने की समस्या होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है, बोरोन की कमी से, कॉपर की कमी से या फॉस्फोरस की कमी से। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो होती है आपकी बोरोन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अंगूर में पाए जाने वाले प्रमुख कार्बनिक अम्ल है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे अंगूर के अंतर्गत मुख्यतः जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें केले के प्रवर्धन के लिए जो सकर्स कितने पुराने होने चाहिए। तो वो 1 से 2 माह पुराने होने चाहिए, 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए, 5 से 6 माह या 10 से 12 माह पुराने होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर बात करें कि 3 से 4 माह पुराने आपके जो सकर्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आम में फूल झड़ने से रोकने के लिए किसका उपयोग में लिया जाता है। 240 की आपको 200 ppm यूज़ करना है, 20 ppm यूज़ करना है। 240 का 50 ppm का घोल यूज़ करोगे, NaA का 500 ppm का यूज़ करोगे, पैक्लाब्यूटराजोल का आप 200 ppm का यूज़ करोगे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो आपको 240 का आपको 20 ppm का छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे कि फूलों को जड़ने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अंतर्गत आपको पता ही होगा कि फूलों को जड़ने से रोकने के लिए अपन NaA को भी यूज़ करते हैं, लेकिन आम के अंतर्गत जो मुख्यतः यूज़ किया जाता है वो आपका 240 यूज़ किया जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आंवले में फूल लगते हैं तो केवल निर्धारित पर्वों पर, केवल अनिर्धारित पर्वों पर, निर्धारित व अनिर्धारित पर्वों पर या 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर। तो आंवले के अंतर्गत जो मुख्यतः फूल लगते हैं वो किस पे लगते हैं, वो आपके जो 1 वर्ष पुरानी शाखाएं होती है उसके ऊपर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फूल गोभी में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? तो 100 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर या 1000 मीटर। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कितनी रखी जाती है, 1000 मीटर रखी जाती है आपके फूल गोभी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बेंट नेक विकार पाया जाता है, तो बेंट नेक विकार है वो ग्लेडियोलस में होता है, गुलाब में होता है, या कार्नेशन में होता है, रजनीगंधा के अंतर्गत होता है। तो इसका राइट आंसर की जब बात की जाती है वो गुलाब के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बेंड नेक होता है वो गुलाब के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा फूल क्वीन ऑफ ईस्ट कहलाता है? तो क्वीन ऑफ ईस्ट है वो कौन सा कहलाता है, वो आपका गुलदाउदी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आम के फलों में भाप या जो अपन हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसमें उपचार करते हैं तो वो किसके विरुद्ध किया जाता है? तो मिलीबग के प्रति किया जाता है, फल मक्खी के प्रति, मैंगो ऑफर के प्रति, या मैंगो स्केल के प्रति। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, फल फ्लाई होती है, तो उसके प्रति अपन भाप उपचार करते हैं आम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, टमाटर के केचप में ब्लैक नेक के बनने का कारण क्या है? तो आपके फेरिक टेनिक हो जाएगा, पोटेशियम साइट्रेट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट हो जाएगा, या सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो फेरिक टेनिक होता है उसके कारण आपके क्या हो जाते हैं, जो केचप में ब्लैक नेक्स आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि एलोवेरा का प्रवर्धन होता है वो बीज के द्वारा होता है, कलिकायन के द्वारा होता है, अंतःभूस्तारी द्वारा होता है, या ऊपरी भूस्तारी के द्वारा होता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो अंतःभूस्तारी होती है उसके द्वारा एलोवेरा के अंतर्गत प्रवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। निम्न क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से तने वाली सब्जी कौन सी है? तो गाजर है, गांठ गोभी है, शलजम है, या चुकंदर है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो बताना इसका कौन सा होगा, कि तने वाली सब्जी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, गांठ गोभी वाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है वो श्रीनगर में है, बेंगलोर में है, बीकानेर में है, या लखनऊ में है? इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो उपोषण बागवानी सब ट्रॉपिकल है वो कहाँ पे है, आपका लखनऊ के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि जो गोल्डन क्रांति है या गोल्डन रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? तिल से है, मछली से, उद्यान से है, या कृषि से? तो आपको पता है वो गोल्डन रिवोल्यूशन होती है वो उद्यानिकी से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, गो पशु परियोजना निर्देशालय कहाँ पर है? तो मेरठ में है, मखदूम में है, इज्जतनगर में है, या हिसार में है? तो आपको पता ही होगा कि जो गो पशु परियोजना निर्देशालय है वो मेरठ के अंतर्गत स्थित है, जो मेरठ यूपी में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में प्रत्येक 5 साल के अंतर्गत पशु जनगणना करवाता है? तो राज्य में, अपने राज्य के अंतर्गत कौन करवाता है? पशुपालन विभाग करवाता है, RCDF करवाता है, या राज्य डेयरी विकास निगम करवाता है, राजस्व मंडल अजमेर करवाता है? तो आपको पता ही होगा कि जो अपने 5 साल पर जो पशु गणना होती है वो अपना राजस्व मंडल करवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर्वाधिक बकरियों वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या तेलंगाना है? तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाती है तो आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ हैं, आपके राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2018-19 के अनुसार राज्य में कुल दूध उत्पादन है हुआ है? तो जो 2018-19 के अनुसार जो कुल दूध उत्पादन माना जाता है वो कितना है आपका, 23.66 मिलियन टन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला है? तो सर्वाधिक जो दूध उपलब्ध होगा वो कहाँ पर होता है, जैसलमेर में, जयपुर में, अलवर में, या बाड़मेर में? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर बात करेंगे, जो सर्वाधिक दूध उपलब्धता होती है वो आपके जैसलमेर में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भैंस के दूध में लैक्टोज ये जो आपका दुग्धम होता है उसका कितना प्रतिशत होता है? 4.2 होता है, 4.8 होता है, 5.4 होता है, या 6.9 होता है? इसके राइट आंसर की बात की जाए तो 5.4 आपके भैंस के दूध में लैक्टोज या दुग्धम प्रतिशतता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक अम्लता 0.12 से 0.16 का होना तो किस कारण होती है? CO2 के कारण, कैल्शियम के कारण,
फास्फेट या एल्बुमिन के कारण या उपरोक्त सभी के कारण होती है। इसके बाद करें राइट आंसर की ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर्दियों में दही जमने के लिए दूध में उचित जामन डालकर लगभग कितने समय तक रखना चाहिए, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे या 14 से 16 घंटे रखने चाहिए। तो इसका राइट आंसर बात करें कि 12 से 14 घंटे तक अपन सर्दियों के अंतर्गत रखते हैं और 8 से 10 घंटे के अंतर्गत अपन गर्मियों के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मध्यम ग्रेन या व्हिपिंग क्रीम में वसा प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, तो व्हिपिंग क्रीम की बात की जाती है उसके अंतर्गत जो वसा प्रतिशत होती है लगभग 35% के लगभग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। प्रौढ़ भेड़ मादा को किस नाम से जाना जाता है, प्रौढ़ भेड़ है ना, प्रौढ़ भेड़ पढ़ते ही आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करना, इसके अंतर्गत आगे भी दिए गए मादा, जो प्रौढ़ मादा होती है भेड़ की उसे किस नाम से जाना जाता है, ईव, रैम, डोई या वीडर के नाम से जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे उसे ईव कहते हैं, और अगर ये नर पूछता है तो क्या हो जाता है आपका, रैम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध बर्तनों को धोने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित विधि कौन सी है, तो आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो दूध बर्तन धोते हैं वो सूखी विधि के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उनमें से कौन सा पशु अरुमंती नहीं है, अरुमंती पशु नहीं है मतलब कि रुमंती पशु कौन सा है ये पूछना चाह रहा है ना, तो बकरी है, घोड़ा है, सुअर है या खच्चर है, तो आपको पता है रुमंती पशु के अंतर्गत अपना कौन सा आता है, रुमिनेंट एनिमल कौन सा आता है, आपकी बकरी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें कि रैम का संबंध किससे है, तो ये चीज़ तो अपन ने पहले बात कर ली कि रैम किससे संबंधित है, तो मैंने बताया दिया कि जो भेड़ का प्रौढ़ नर होता है उसे अपन रैम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी नस्ल गाय के जालोर और साचौर तहसील में बहुतय मिलती है, तो जालोर और साचौर तहसील के अंतर्गत सर्वाधिक जो गाय की नस्ल मिलती है वो कौन सी होती है, कांकरेज है, गिर है, थारपारकर है या मालवी है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, कांकरेज पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है, तो मुर्रा, सूरती, मेहसाना या जाफराबादी, तो आपको पता ही होगा ये तो काफ़ी बार अपन क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कि भैंस के अंतर्गत जो सबसे लंबा दूध काल होता है वो मेहसाना का होता है, और ये किस किस का क्रॉस है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो मेहसाना है वो किस किस के क्रॉस से बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि बकरी की नस्लें चेंगू और चांगथांग को किस उद्देश्य से पाला जाता है, तो बाल के लिए, मोहेर के लिए, मांस के लिए या पश्मीना के लिए। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको बताया होगा कि जो चांगथांग या चेंगू है उसको सामान्यतः पश्मीना के लिए पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में कि ऊँट पशु के मध्य चक्र कितने दिन का होता है, जो ऊँट का जो पशु होता है, ऊँट पशु होता है उसका मध्य चक्र होता है वो कितने दिन का होता है, तो 14 दिन का होता है, 3 से 4 दिन का होता है या 16 दिन का होता है या 18 से 20 दिन का होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे सामान्यतः इसका 14 दिन का मध्य चक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो कौन सा आता है कि सार्कोप्टिव कैमेलाई किस पशु रोग से का कारक है, तो किसका है, तो ये मेंज का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशु प्लेग रोग की उष्माइन अवधि है, तो जो पशु प्लेग रोग होता है उसका जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 1 से 2 दिन होती है, 2 से 4 दिन होती है, 3 से 7 दिन होती है, 10 दिन होती है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाती है तो वो कौन सी होती है आपकी, 3 से 7 दिन मानी जाती है, जो मुख्यतः अवधि होती है इसकी 3 से 7 दिन के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस पशु रोग में मृत्यु दर 80 से 90 दिन व उष्मा अवधि 1 से 2 दिन होती है, यानी कि आपके जो मृत्यु दर परसेंट होगी वो 80 से 90 दिन होती है, लेकिन जो उष्मा अवधि होती है वो 1 से 2 दिन होती है, तो वो गलघोंटू में होती है, एंथ्रेक्स में होती है, पशु प्लेग में होती है, जहरी बाद में होती है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए वो आपके गलघोंटू के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।